ये वही लोडर है, पावर ट्रैक यूरो 60 ट्रैक्टर पे 50 पे लिख रखे रखा है ट्रैक्टर लोडर, अमर एग्रो इंडस्ट्री ने ये लोडर रखा है। आज इस वीडियो में इस लोडर के बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा, लगभग प्राइस तक भी बताऊंगा कितना क्या प्राइस है, इसकी क्या क्या खासियत है, लगाने के क्या क्या तरीके हैं। मतलब यहाँ अमर जो एग्रो, ये आपको विजिटिंग कार्ड भी दिखा रहा हूँ इनका, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो 9 से 5 बजे तक, सुबह 9 से 5 बजे तक, वर्किंग डे वाले दिन, छुट्टी वाले दिन कोई कॉन्टैक्ट मत करियो। ये है भाई, और जैसा कि हम बात कर रहे हैं, ये जो 5 फुट का आगे का जो बकेट है किया, ये 5 फुट की है, 13 फुट हाइट तक का लोडर है, 5 फुट की, 5 फुट की है भाई, 5.5 6 तक आराम से। और जो इसकी हाइट है जो ऊपर तक जाएगा 13 फुट तक, ये जो बाढ़ होगी ट्रॉली के अंदर, जैसे हम ट्रक वगैरह में डाल रहा है, 13 फुट की ट्रॉली के अंदर ये आराम से डाल देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो इसके अंदर जो ये यूज कर रखे, इसके अंदर जो मटेरियल लगा रखे, जो ज्वाइंट है पड़े हमारे, ये जो ज्वाइंट है इनमें ग्रीसिंग के लिए हर जगह पॉइंट लगा रखे हैं, आप इजीली ग्रीस कर सकते हो। और जो इनकी है, ये जो ज्वाइंट है जितने भी हैं, इनकी लाइफ काफ़ी लॉन्ग लाइफ है। जैसा कि हम बात करें, ये है, ये जो पिन है, ये जो लग रही है बाहर, ये जो बाहर की पिन है, ये वाली सी चीज़ है। और इसको आप इसके अंदर जैसे, और ये है इसके जो बीच में लगता है, इसको आप जैसे की बात करें, ये इसके अंदर ऐसे डल जाएगा और ये इसके अंदर फिट बैठ जाएगा। उसके बाद इसका फ़ायदा क्या है, जैसे ये यूज़ करेंगे आप, ऊपर नीचे होता है तो घिसता रहता है ये, तो ये पूरा घिसेगा, चेंज करवाने की ज़रूरत पड़ती है इसमें। लेकिन अमर एग्रो जो इंडस्ट्री है, ये जो यूज़ करते हैं इसमें, इसको यूज़ करें वो, ये पूरा बदलने की ज़रूरत नहीं है। एक जो इसके अंदर ये है, ये पीतल का जो एक अंदर का ये पार्ट है, बस छोटी सी पत्ती है पतली सी, काफ़ी हार्ड मटेरियल है, वैसे तो घिसेगा नहीं, बहुत लॉन्ग टाइम तक चलता रहता है, पर फिर भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आपको ये इसके अंदर ऐसे डल जाता है पूरा, बिल्कुल अंदर कोई गैप नहीं, बिल्कुल फिट है प्रॉपर। आपको सिर्फ ये चेंज करवानी है, पत्ती चेंज करवानी, खोल के इसको ये पत्ती चेंज करो और उसके बाद दोबारा फिर लगाओ। ये पत्ती 100-150 रुपये की पत्ती आ जाती है, ताकि आपकी इसके लॉन्ग लाइफ बनी रहे, और उसके बाद ये ऐसे पूरा फिट हो जाता है। इसमें काफ़ी अच्छी, हर चीज़ को ध्यान में रख के, कम से कम मेंटेनेंस से ज़्यादा टाइम तक काम कर सके। हमारा एग्रो इंडस्ट्री जो है फतेहाबाद के अंदर, ये इनकी इंडस्ट्री है। और जो इसके अंदर है पंप जो लगा हुआ है, जो हाइड्रोलिक पंप है वो इन्होंने फ्रंट में लगा रखा है, जो हाइड्रोलिक पंप है वो इन्होंने फ्रंट में लगा रखा है ट्रैक्टर के फ्रंट में, बिल्कुल ये रहा। कौन सी कंपनी का यूकेन और वेल्जन कंपनी में मिलते हैं, लेकिन इसमें यूकेन का लगा रखा है इन्होंने, वो आपकी डिमांड आप जैसा चाहो वैसा लगवा सकते हो। और ये पंप डायरेक्ट इंजन के जो आगे चलता है फैन बेल्ट चलाता है उससे कनेक्ट कर रखा है इन्होंने। और ये आप चाहो तो पीटीओ में, पीछे पीटीओ में लगवा सकते हो, पीटीओ का 5-10 हज़ार रुपये खर्चा एक्स्ट्रा आता है। और आप चाहो तो ट्रैक्टर जो ये पंप भी ना लगवाओ, डायरेक्ट ट्रैक्टर के पंप से भी इसको चलवा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि उससे कोई प्रॉब्लम आएगी आपको। ट्रैक्टर का जो पंप होता है अपना, उससे भी इसको चला सकते हो, जिससे आपको कम से कम 30 से 30 हज़ार रुपये कम हो जाएंगे उसके, वो आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग है। पर उसका लाइफ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ट्रैक्टर वाले पंप में, क्योंकि जो अपना गियर बॉक्स का कचरा है छोटा मोटा, जो भी सर्विस अगर थोड़ी ड्यू कर देते हैं, थोड़ी लेट कर देते हैं, तो पुराने ट्रैक्टरों में जैसे हम देखते बात करें, पुराने ट्रैक्टरों में भी प्रॉब्लम आती है, तो कचरा होता है इंजन के ऑयल में, तो जब आप यूज़ करोगे तो ये इसकी सील वगैरह जो यहाँ ये सिलेंडर हैं हाइड्रोलिक सिलेंडर, इनकी सील वगैरह कटने का डर रहता है, तो लाइफ कम हो जाती है उसकी। तो ये इन्होंने यहाँ पंप लगा के पीछे ये साथ में इसका जो हाइड्रोलिक ऑयल है वो एकदम बिल्कुल अलग है, पूरा 55 लीटर का उसका हाइड्रोलिक ऑयल है, जो कि सिर्फ ये हाइड्रोलिक सिलेंडर के काम आएगा, अपना इंजन का ट्रैक्टर का जो इंजन ऑयल है वो अलग रहेगा। ये पीछे इन्होंने डीजल ऑयल हाइड्रोलिक ऑयल टैंक रख रखा है पूरा। और इधर इसमें साथ में इन्होंने एक पैरामीटर भी लगाए हैं, अगर आपका तेल कम हो जाता है तो आप यहाँ से आप आराम से देख सकते हो, ये कम ज़्यादा कितना क्या लेवल, आप यहाँ चेक कर सकते हो आराम से। और जो पीटीओ वाला है वो पीटीओ वाला डायरेक्ट यहाँ लगेगा, पीटीओ सीधा इसके अंदर आ जाएगा। हाइड्रोलिक तेल यूज़ करना था तो उसका भी एक अपना फ़ायदा है, ट्रैक्टर की थोड़ी स्पीड बढ़ जाती है उससे, क्योंकि आप जैसे रेस दोगे आपका पीटीओ जैसे काम करता है वैसे ही ये पंप काम करेगा, और स्पीड के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चलती रहेंगी। और इसमें कुछ फीचर हैं जो कि इस कस्टमर की डिमांड नहीं थी, यहाँ पे एक लॉक भी लगता है पूरा सिलेंडर के साथ में, लॉक लगेगा एक पूरा, आप जैसे ऊपर हाइट पर उठा के आप कोई बच्चा इस पर ना दे ताकि नीचे वगैरह ना गिरे, किसी का कोई हादसा ना हो, तो आप यहाँ पे एक लॉक भी लगता है, आप लॉक लगवाना चाहते हो लॉक लगा, जैसे ही आपकी डिमांड होगी वैसे ही होगी। और जो ये है
ये लीवर, इनकी भी एक और फैसिलिटी है, इस कस्टमर की डिमांड नहीं थी, आप इसको यहाँ से ऊपर उठा सकते हो, ऊपर उठा के ताकि स्पेस जो है ट्रैक्टर में उतरने चढ़ने के लिए काम आ जाएगा आपका। आप इसको साइड में भी करवा सकते हो, और साथ के साथ में इसमें यहाँ आर्म रेस्ट लग जाती है ताकि बंदा आराम से पूरा दिन ऑपरेट करता रहे, उसको कोई थकावट सकूट कुछ प्रॉब्लम ना हो, आराम से इजीली उसको ऑपरेट कर सकता है इसको। ये लोडर जो है ये पूरा जो अलग से पंप लगवाया है आगे बिना पीटीओ के, ये 2,40,000 रुपये, 2,40,000 रुपये इसका प्राइस है, जो कि आप किसी भी ट्रैक्टर पर रखवा सकते हो इसको। ऐसा कोई नहीं है कि भाई इस ट्रैक्टर पर नहीं चलेगा या उस पर नहीं चलेगा, आइसर 241 जैसे इसको लोग ऑलमोस्ट छोटा ट्रैक्टर वही है, उस पर भी इजीली चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें भी, इंजन अपना काम करेगा, सिर्फ इंजन काम होगा अपना ट्रैक्टर चलाना आगे पीछे करना, और बाकी लोडर का जो काम है वेट उठाना या धक्का के जो भी कुछ गिराना जो हो सारा हाइड्रोलिक ऑयल से, अलग से सिलेंडर लगे हुए इसके, सारा सब कुछ काफ़ी अच्छा है, शानदार बना पूरा पूरा ट्रैक्टर जो है, ये लोडर है पूरा ट्रैक्टर के अंदर है, ट्रैक्टर की चौड़ाई से ऑलमोस्ट आधा फुट बाहर होगा ज़्यादा ज़्यादा, बाकी जो आप अगर पूरा ये डिज़ाइन किया गया स्ट्रक्चर जो बनाया है, आपको ट्रैक्टर का कल को सर्विस करवानी है या कुछ और भी करवाना है, आप इसको ऊपर उठाओ पूरा पूरा यहाँ खाली रहता है, एक बार उठाना ऊपर उठाना इसको, जैसे कि इसको ऊपर उठा के आप अपने इंजन पूरा काम कर सकते हो आसानी से, तो आसानी से आप इसको ऊपर उठा सकते हो, जैसे कि इंजन में अगर सर्विस करनी है कुछ और भी करना है तो आप अपने ट्रैक्टर को आराम से सर्विस वगैरह कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि जो कि ये हर चीज़ को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है, सारी चीज़ें देख के डिज़ाइन किया गया, और आगे इन्होंने एक बम्पर भी लगाया पूरा जो न्यूट्रल कर रहा है, पन्ना जब हो ये बहुत ज्यादा अच्छा सेफ्टी के लिए आता है, पूरा पंप लगा है और आपकी फैक्ट्री पूरी शो हो रहा है और पूरी आराम से चली चली तेरा फुट की हाइट पे है, अभी आपको उठा के दिखा रहे हैं पूरा पूरा ऊपर किस हाइट तक ये जा सकता है आप देख सकते हो, और काफ़ी स्पीड है, जो स्पीड ज़्यादा कम है वो आप अपना आराम से कर सकते हो, जल्दा वैसा अपने अकॉर्डिंग चला सकते हो, और भी और बारिश का यहाँ पे तेल वगैरह पंप का कोई भी काम कर रहा है, ट्रैक्टर की सर्विस वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, काम बंद कर दो, काफ़ी हर चीज़ को ध्यान रख के बनाया गया, तो पूरा डिज़ाइन किया गया, पूरा ये लोड रहा पूरा डिज़ाइन किया गया है, और अगर आप ज़्यादा हाइट रहते हो ज़्यादा भी हाइट बना सकते हैं ईजीली, ये जैसे कि डिमांड थी इनकी, और जो पीछे है ट्रैक्टर बैल से आगे लोड उठाएगा तो पीछे इन्होंने वेट की टंकी भी बनाई है, जो काफ़ी वेट है, काफ़ी बड़ी टंकी है ये, इसके अंदर आप रोड़ी डस्ट या फिर कोई कुछ भी डाल के इसको भर सकते हो और इजीली अपना ट्रैक्टर ऑपरेट कर सकते हो, ये हर ट्रैक्टर पे रखा जा सकता है, जैसे कि अमर एग्रो इंडस्ट्री फतेहाबाद में ट्रैक्टर मंडी लगती है यहाँ पर हर कंडे को, उनके अंदर मंडी के अंदर इनकी दुकान है, आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, आपको बताया जैसे 9 से 5 तक ये लोडर और पचास पे रखा गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना, थैंक यू दोस्तों।